साथियों, आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू की टीम के हवाले इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को छोड़ दिया गया था। लगातार प्रधानमंत्री की ओर से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की गई। लगातार वो अपडेट लेते रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से। प्रधानमंत्री कार्यालय के जो ऑफिसर्स थे, जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद भी हमने देखा कि किस तरह से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन ने गति पकड़ी थी। लगातार यहाँ के अपडेट्स जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचाए गए और पीएम के जो प्रधान सचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने बात की यहाँ पर मजदूरों से, उनके परिवारों से, सभी को ढांढस बंधाया। और उसके बाद उसके अगले ही दिन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब आज तैयारियाँ कुछ इस स्तर पर है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन खत्म होने को है। सभी 41 मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, खुशी की ऐसी खबर जिससे पूरा देश झूम रहा है, क्योंकि 41 के 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं।